नमस्कार विद्यार्थियों, एडमी डिजिटल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेमलता माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी मैंने वीडियो आज तक अपलोड किए हैं, वाकई में उन्हें बहुत पसंद किया गया है। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से आप मेरी क्लासों को लगातार लेते रहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में, जितनी भी मोटिवेशन क्लासें आपकी चली हैं, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग क्लासें आपकी चली हैं, जितनी भी चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपके इस डिग्री के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ टाइम आने वाली चीज़ें हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम, आपके जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो फिक्स हो गया है, उसकी डेट फिक्स है। तो अब आपके होने वाले एग्जाम के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आपको ना, मैंने बहुत सारी जगह से इन चीज़ों को लेते हुए एक छोटे से वीडियो में सब कुछ को डालते हुए आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को एक नया मोड़ दिया है। तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, मेरे वीडियो पर आप लगातार बने रहेंगे तो शायद मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो बीएड में आपके काम आने वाली हैं। और मेरे वीडियो पर मैंने जो भी चीज़ें आज तक बताई हैं, जैसे स्वयं का अर्थ क्या है, अभी मैंने पिछले वीडियो स्वयं के अर्थ से लेके आज तक मैंने जितनी भी क्लासें ली हैं, मैंने अभी पिछले वीडियो में ये बताया है कि जो डर होता है हमारे अंदर किसी भी सफलता और असफलता को पाने वाला, तो वो स्थिर और अस्थिर होता है। तो उसी को भी आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो वाकई में हमें नहीं पता होता। हमें पता करने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहना चाहिए। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो क्या है, वो है आपका चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक। देखिए स्टूडेंट, शिक्षक है ठीक है, लेकिन क्या एक चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक या चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में गुरु? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षक सिर्फ आपको जो एजुकेशनल लाइन की शिक्षा है वही देता है, लेकिन गुरु है वो आपको जीवन जीने तक की कलाएं भी सिखाता है, और आपके बचपन से लेके आपके वृद्धावस्था तक की चीज़ों में वो आपके साथ हमेशा रहता है। देखिए, आपको छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, माँ को देख लीजिए। माँ हमारी सबसे पहली गुरु होती है, तो हमारे बचपन से हमारे साथ होती है वृद्धावस्था तक, जब तक हमें वो पाल सकती है, जब तक हमें गाइड कर सकती है तब तक वो हमें गाइड करती रहती है। लेकिन शिक्षक तो जितनी भी हम एजुकेशन बदलते रहते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं बदलती रहती हैं, तो जो गुरु है वो माननीय होता है, शिक्षक भी माननीय होता है। जो गुरु का ज्ञान है वो शिक्षक का ज्ञान है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने आज जो भी चिंतनशील अभ्यास क्या होता है इसकी क्लास मैंने आज यहाँ पे ली है। तो चिंतनशील अभ्यास होता है सीखने और सिखाने की क्रिया प्रतिक्रियाएं जो चलती रहती हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो होता है चिंतनशील अभ्यास। यानी कि चिंतनशील अभ्यास में एक चिंतन करने के लिए एक प्रतिबिंब तैयार करना होता है, जिसके माध्यम से चिंतन करते हुए हम प्रत्येक कार्य को सफल बनाने में सक्षम हो पाते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में शुरू करती हूँ, उसमें हमने लिखा है कि चिंतनशील अभ्यास का अर्थ क्या होता है। चिंतनशील अभ्यास का अर्थ चिंतन निरंतर विचारणीय तथ्य एवं प्रक्रिया है। चिंतन है वो निरंतर विचारणीय और तथ्यात्मक प्रक्रिया है जो कि स्वयं के लिए तथा अन्य को सीखने के लिए की जाती है। देखिए स्टूडेंट, ये जो चीजें हैं स्वयं को सीखने के लिए और दूसरे को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, दूसरे से सीखने के लिए और दूसरे को सिखाने के लिए हमें चिंतन की आवश्यकता होती है। चिंतन किस किन तरीकों से होता है, चिंतन का महत्व क्या होता है, चिंतन के लाभ क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो हम जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से चलती है, लेकिन विचारशील यानी अध्यापक हो या कोई पर्सन हो या कोई व्यक्ति हो, एक प्रतिबिंब स्थापित करता है, एक प्रतिबिंब स्थापित करता है जिससे पाठ्यक्रम का निरंतर विकास व उसकी पूर्ति करता रहता है। ये कहना चाह रहा है कि विचारशील एक अध्यापक यानी कि कोई अध्यापक हो या कोई व्यक्ति हो, एक प्रतिबिंब स्थापित करता है जिससे पाठ्यक्रम का निरंतर
विकास होता रहता है कि इसका कहने का मतलब कि जो प्रक्रिया है उसी के अंडर में चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में जॉन डीवी जो है उन्होंने अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। देखिए स्टूडेंट, जॉन डीवी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जॉन डीवी हैं जो प्रायोजना विधि के प्रवर्तक माने गए हैं, यानी कि प्रायोजना विधि की जो नींव है वो जॉन डीवी के माध्यम से लगी है, लगाई गई है। आप बच्चे आप सोचोगे जॉन डीवी कौन? जॉन डीवी जो प्रायोजना विधि है, प्रायोजना विधि यानी कि नए नए तरीकों से जो शिक्षा दी जा रही है, नए नए तरीकों से जो शिक्षाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, वो जो उन्हीं की में जो चीजें उसने डाली है, नई नई टेक्निक, नई नई विधियां उन्होंने डाली है, वो उसके डालने वाले हैं जॉन डीवी। लेकिन शिक्षा में निरंतर उसका विकास करने वाले हैं वो उनके शिष्य किल पैट्रिक को माना गया है। लेकिन यहाँ पे जॉन ड्यूवी ने अपनी डेफिनेशन के माध्यम से बताया है कि किसी विश्वास या ज्ञान को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं का विभिन्न संदर्भों में अध्ययन करना भी चिंतनशील अभ्यास है। देखिए स्टूडेंट, किसी विश्वास और ज्ञान को, कोई ज्ञान हो कोई विश्वास हो, उसको उसका सावधानी पूर्वक पहले क्या करना होता है? निरीक्षण करना होता है। निरीक्षण करते हुए उसके जो पहलू हैं उनको, उन पहलुओं को विभिन्न संदर्भों में अध्ययन और सोचने का कार्य करना होता है, और फिर अध्ययन चिंतनशील बनाते हुए चिंतनशील अभ्यास को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं कि किसी विश्वास या ज्ञान को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हुए हमें अपने आप को जानना और चिंतन करते हुए उस चीज में सफल हो जाना ही चिंतनशील अभ्यास है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो प्रवर्त वो है यहाँ के जो शिक्षाविद जिनको माना गया है, यानी कि विद्वान जो है वो है विलियम्स। विलियम्स ने क्या कहा है कि बुद्धिमता तीन प्रकार से सोचने का कार्य करती है। बुद्धि इंटेलिजेंसी है वो तीन प्रकार से सोचने का कार्य करती है स्टूडेंट। पहला होता है चिंतन, चिंतन करके। नेक्स्ट होता है विचारों को, विचारों का डेवलपमेंट करके, विचारों को विकृत करके, जो विचार एक है उसको चारों तरफ उसका प्रतिबिंब, विचारों का भी प्रतिबिंब बनाया जाता है कि विचार भी किन किन रास्तों पर जा रहे हैं, उसमें से सही क्या है उसको चुनते हुए। नेक्स्ट है ज्ञान और कौशल कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी छवि है जिस चीज का हम, जो हम चिंतन कर रहे हैं किसी कौशल और किसी ज्ञान के माध्यम से हम कर पाते हैं। इन तीन चीजों को बुद्धि जो है, इन तीन चीजों से सोचने का कार्य हमारे करती है, वो किसने कहा है? विलियम्स ने कहा है। अब चिंतनशील अभ्यास है जो, उसका महत्व क्या है? चिंतनशील अभ्यास है उसका महत्व क्या है? तो चिंतनशील अभ्यास का महत्व, शिक्षक वह व्यक्ति है जो छात्र को अंधकार से ज्ञान के उजाले में ले जाने का मार्गदर्शन करती है। देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षा की डेफिनेशन भी क्या थी कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर छुपे हुए ज्ञान को बाहर की तरफ लाने का कार्य करती है। सेम उसके देखते हुए, उसी को देखते हुए चिंतनशील अभ्यास की जो का जो महत्व है वो भी क्या बता रहा है कि शिक्षक वह व्यक्ति है जो छात्र को अंधकार से ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। वो क्या है? चिंतन। चिंतन देखिए स्टूडेंट, मैंने एक बात भी सुनी है कि चिंतन और चिंता दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि चिंतन होता है वो समस्याओं का सॉल्यूशन हमारे लिए लाता है, लेकिन चिंता जो होती है वो, जो हमारे अंदर जो चिंता होती है वो इंसान को कोई सॉल्यूशन नहीं देती, वो उसको परेशान करके और किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं देते हुए और उसे गड्ढे में डालने का कार्य करती है। यानी चिंता चिता के समान होती है और चिंतन होता है ज्ञान से भी बढ़कर होता है, क्योंकि ज्ञान भी किससे बनेगा? चिंता करेंगे तो ज्ञान बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो चिंतनशील अभ्यास का जो सिद्धांत है उनको भी उन्होंने, इसके तीन सिद्धांत बताए हैं। कैसे, कौन कौन से? एक पहला सिद्धांत है प्रतिबिंब तैयार करना, यानी कि जो भी चीजें हैं, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी काम हम करने वाले हैं, या हम जो भी कोई हमारा लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, या किसी काम को, कोई बड़ा काम हम अपने लिए फिक्स कर रहे हैं, तो उस चीज उसके लिए भी हमें
कार्य प्रतिबिंब जब बनता है तो किरणें फैलती हैं। प्रतिबिंब जब बनता है तो इसी तरीके से पहले सबसे पहले किसी कार्य को करने से पहले उस चिंतन का एक प्रतिबिंब बनाना होता है। और चिंतन से आत्मवाचक बनाना, यानी कि जो आत्मवाचक अपने विषय में अपने सब्जेक्ट में सभी पक्षों पर चिंतन करना और अपने जो चिंतन करना अपने चरित्र की जांच करना, स्वयं के चरित्र की जांच करना। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करना कि भूतकाल के आधार पर शिक्षक को शिक्षा नहीं देनी होती है, अपने अनुभवों से, अपने हाव भावों से, अपने जो वर्तमान में ज्ञान, जो वर्तमान चीजों से वो सीख रहा है उसी को, उस ज्ञान को अध्ययन कर उसे उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है। वो कौन करता है? जो आपस में विचार चलते रहते हैं, आपस में जो चिंतन जो हम करते रहते हैं, अपने आप से स्वयं से जो हम चिंतन करते रहते हैं वो इन सभी कार्यों को करते हैं। अब आता है हमारा चिंतनशील अभ्यास के लाभ क्या क्या होते हैं। तो उसमें पहला लाभ स्टूडेंट दे रखा है स्वयं अनुभवों से सीखना, यानी कि अनुभव कब आएंगे, तब परिस्थितियां आएंगी हमारे सामने तो हम उनसे कैसे सामना करेंगे, इस चीज का चिंतन करते हुए हमें एक अनुभव मिलेगा। यानी कि अनुभव कहाँ से मिला? परिस्थितियों का सामना करने से। परिस्थितियां आएंगी। अब कई लोग होते हैं परिस्थितियों से घबराते हैं, अरे मैं ये मानती हूँ परिस्थितियां ही नहीं आएंगी तो हम सामना करना कैसे सीखेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंटेड कैसे बनाएंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। जब हम सीधे सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे, रास्ते में मोड़ ही नहीं आएंगे तो हम अपनी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्वयं अनुभवों और परिस्थितियों से सीखना पहला। नेक्स्ट आता है सीखने के प्रति गहरी सोच रखना। जो भी चीज हम सीख रहे हैं चिंतन करके, जिन भी चीजों को हम सीख रहे हैं उनको हमें डीपली सीखना होगा, यानी गहराई से सोचना होगा, चिंतन करना होगा और उस मंजिल को हासिल करना होगा। नेक्स्ट आता है स्वयं के बल को पहचानना। देखिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यही कहता है, जब आप हमारे अपने अंदर की सारी चीजों को जब अपने अंदर डेवलप करने लग जाएंगे, स्वयं की चीजों को स्वयं के अंदर डेवलप करना ही स्वयं को समझना, स्वयं की चीजों, स्वयं अपने आप को टाइम देकर अपनी जो अंदर की चीजें हैं उन्हें बाहर निकालना, अपने आप के हुनर को बाहर निकालना। तो ये भी यही कह रहा है कि स्वयं के बल को पहचाना। तो हम स्वयं के बल को कब पहचानेंगे? क्योंकि जो कार्य हमने नहीं किया उसका हम चिंतन करें, मनन करें और फिर हम उस कार्य को करके देखें तो वाकई में हमारे अंदर कितनी क्षमता है इस चीज को हम पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचानना। देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए क्या होता है कि जो शैक्षिक आवश्यकता है, जो चीज आवश्यक है, उन्हीं चीजों को पहचानते हुए चिंतन करना चाहिए कि हमें अभी क्या आवश्यकता है और आगे आने वाली चीजों के लिए हमें क्या आवश्यक होगा। इस तरीके की पीढ़ी दर पीढ़ी हमें चिंतन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ज्ञान से संबंधित नवीन नीतियों का अर्जन करना। जितना भी ज्ञान आज तक हमने लिया है उनसे हमने नया क्या सीखा, उनमें से हमने नया क्या सीखा, उस चीजों को, उस उन चीजों को भी ऑब्जर्व करना। ये क्या होता है, ज्ञान से संबंधित नवीन नीतियों से जो हम अर्जन कर रहे हैं वो भी हमें कहां से आएगा, चिंतन से। चिंतन करना है हमें, चिंता नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आत्मविश्वास है आत्मसंतुलन का, आत्मसंतुलन क्रम का विकास। आत्मविश्वास कब बढ़ेगा? देखिए स्टूडेंट, जब हम सारे काम स्वयं करने लग जाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमें जिन जिन कार्यों को करना आ जाता है, चाहे वो चिंतन से करो या अंडरस्टैंडिंग से करो, या आप स्वयं को समझते हुए करो या फिर रिफ्लेक्टिव जो चीजें हैं उनसे करो, तो हमें क्या हो जाएगा, फिर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है पुनर्वर्णन का केंद्र बनना। देखिए स्टूडेंट, हम जिन भी चीजों का चिंतन कर रहे हैं उन चिंतनों को करते हुए हमने जिस भी चीज पर अपनी कमांड हासिल की है वह हमें पुनर्वलन जरूर देना चाहिए, यानी अपने आप को ही मोटिवेट करना चाहिए कि वाह मैं बहुत अच्छा कर पाया हूँ या मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। स्वयं को मोटिवेट करना, जिस प्रकार स्वयं को समझना जितना ही भारी है इतना ही स्वयं को मोटिवेट करना भी भारी है, क्योंकि कई बार आप अपने आप को मोटिवेट करके देखना आपको शर्म आएगी, कैसे, अरे मैं मेरे लिए ही कमेंट डाल रहा हूं तो इससे क्या है, यस मैं अपने लिए कमेंट डाल रहा हूं क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं जो कार्य नहीं कर सकता था वो मैं कर रहा हूं, किससे, कि मैंने चिंतन किया, मैंने मनन किया, अपने आप को टाइम दिया तो मैं ये कर पाया। देखिए स्टूडेंट, चिंतन और चिता दोनों में ही बहुत बड़ा
चिंतन हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है और चिंतन हमें समस्याओं की तरफ ले जाती है। तो हमें क्या करना है, चिंतन करना है, ना कि हमें चिंता करनी है। तो इसी चिंतनशील अभ्यास को मैं यहीं खत्म करते हुए अपनी वीडियो को का समापन करती हूँ। और मेरे वीडियो पर जिस तरीके से आप बने रहते हैं उसी तरीके से बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए, मेरे नव भारती परिवार को, नव भारती चैनल को, नव भारती स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे लिए इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।